अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों जो भी YouTube के ऊपर काम कर रहा है, YouTube के ऊपर वीडियोस डाल के उससे पैसे कमाना चाहता है, तो उसका एक ही यानी कि माइंड होता है कि जल्द से जल्द उसका चैनल मोनिटाइज हो जाए और वो YouTube से पैसे कमा सके। तो दोस्तों 2023 आ चुका है और YouTube की मोनिटाइजेशन पॉलिसी भी चेंज हो चुकी है, उसके जो रूल्स हैं उसमें काफ़ी सारा बदलाव किया गया है। अब आज की वीडियो में आपके साथ सारे जो कि YouTube मोनेटाइजेशन जो 2023 की पॉलिसी है सारा डिटेल आपके इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पसंद आए कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पहले क्या था कि अगर हम YouTube चैनल के ऊपर काम करते हैं और उसको मोनेटाइज करवाने के लिए हमें लॉन्ग वीडियोज के ऊपर काम करना होता था और हमारे पास एक ऑप्शन होती थी कि हम YouTube के ऊपर लॉन्ग वीडियोज डालते थे और उसका क्राइटेरिया 1000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम हमें लास्ट 365 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करना होते थे और हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के मोनेटाइज हो जाता था। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप शॉर्ट वीडियो से भी मोनेटाइज करवा सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप लॉन्ग वीडियो के ऊपर भी काम करके उससे भी चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। इसके लिए कोई बंदिश नहीं है, आप दोनों अलग अलग चैनल भी बना सकते हैं। अगर आप एक ही चैनल के ऊपर लॉन्ग वीडियो पे भी डाल रहे हैं और शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं तो उससे भी आप दोनों के ऊपर काम करके चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो दोनों की रिक्वायरमेंट आपको बता देता हूं। अब यूट्यूब का कहना है कि अगर आप एक ही चैनल के ऊपर लॉन्ग वीडियो भी डाल रहे हैं और शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं, अगर आप लॉन्ग वीडियो से भी चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो आप लास्ट 365 दिन के अंदर 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं, अगर आप लास्ट 3 मंथ के अंदर 90 दिन के अंदर आपके चैनल के ऊपर 10 मिलियन व्यूज आ गए और 1000 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट कर लिए आज शॉर्ट वीडियो के ऊपर, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी क्राइटेरिया कम्प्लीट हो जाता है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप दोनों में क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा, किसी का भी पहले कंप्लीट हो जाता है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रूल्स की। अगर आप लॉन्ग वीडियो की बात करें तो लॉन्ग वीडियो के ऊपर आपके चैनल के ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने के लिए आपके चैनल के ऊपर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, आपका ओरिजिनल कॉन्टेंट होना चाहिए, आपके चैनल के ऊपर कोई भी रीयूज या कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन नहीं होनी चाहिए, रीयूज कंटेंट नहीं होना चाहिए, फिर आप यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी वायलेशन की होगी तो आपका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, आपने कॉपीराइट काम किया है तो वो वीडियोस आपकी काउंट नहीं की जाएगी। आपका ओरिजिनल यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर चैनल है, यूट्यूब शॉर्ट के ओरिजिनल वीडियोज आ रहे हैं तो फिर आप यूट्यूब शॉर्ट के जो व्यूज हैं वो काउंट किए जाएंगे और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए, आप दोनों पे काम करें और जिस पे भी क्राइटेरिया कम्प्लीट होता है अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।